आज आप यहाँ एहसास प्रोग्राम के हवाले से जो डिस्ट्रीब्यूशन क्वेटा में एक सेंटर है इसमें हम मौजूद हैं और एक जायज़ा लिया जा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल एक अच्छे अंदाज में SOPs को बराबर रखते हुए और प्रोसेसेस को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जाए। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर साहब का है जिसको बड़ा स्पीडी टाइम में इम्प्लीमेंट कराया गया है और मैं अभी हालिया में देख रहा था कि यहाँ ख़वातीन जो बैठी हैं जो सारे अपने एक साथ के लिए और अपने जो उनको मैसेजेस आ रहे हैं उसको लेने के लिए आ रहे हैं। इसमें अभी तक क्वेटा में कोई 12 सेंटर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं और अभी तक ओवरऑल जो क्वेटा के बेनिफिशरीज़ हैं वो कोई 50,000 हैं, लेकिन नए प्रोग्राम के तहत कोई 1,00,000 तकरीबन ज़्यादा बेनिफिशरीज़ ऐड भी हुए हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लक्स थोड़ा और बड़ा भी है। ये एक बहुत अच्छा तरीक़ेकार है जिसमें हम एक अच्छे अंदाज में लोगों की मदद भी कर रहे हैं, SOPs भी बराबर हो रही हैं, प्रोटोकॉल्स भी सही हैं और वो जो कोरोना का एक सोशल डिस्टेंसेस है उसको भी बरकरार रखा जा रहा है। यहाँ पे मर्द और ख़वातीन दोनों मौजूद हैं। ख़वातीन को इस सेक्शन में जिस तरह देखा जा रहा है दिया गया है। कुछ केसेस यकीनी तौर पे ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ पे मैसेज आ रहा है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही बिकॉज के थंब को वो सही पिक नहीं कर रहा। इसकी बहुत सारी वजूहत कभी कभी होती हैं, हाथों की वजह से या कुछ और है, तो इंशाल्लाह उसका भी नादरा के साथ टेकअप हम कर रहे हैं कि इस मैकेनिज्म के एक और वेरिफिकेशन हो ताकि वो ठीक हो। क्वेटा के अंदर यकीनी तौर पे आप सबको पता है कि लोकल ट्रांसमिशन का सिस्टम भी थोड़ा बढ़ रहा है और जिसके हवाले से बार बार हम लोगों के साथ जो हमने एक लॉकडाउन का मैकेनिज्म बनाया है, लेकिन लॉकडाउन का मैकेनिज्म हमने साथ साथ यूँ भी बनाया है कि उसको एक कंट्रोल अंदाज में ऐसे करें कि जहां लोगों की बेसिक जो एक काम का तरीक़ेकार है वो इफ़ेक्ट ना हो, जिसमें SOP जो बनाई गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी और सूबों ने सब ने मिल के बनाई कि कुछ एसेंशियल्स ऐसे काम हैं जिनके टाइमिंग के साथ एहतियात के साथ उनको इजाज़त दी गई और बाकी ज़्यादातर को बंद रखा गया। क्वेटा हमारा चूँकि सबसे बड़ा सेंटर है, हम इंशाल्लाह कल के दिन और परसों के दिन एक पूरे क्वेटा शहर का एक टेस्टिंग मैकेनिज्म ले जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिसमें क्वेटा के जो 64 वार्ड हैं उनके अंदर हम मुख्तलिफ वार्ड्स को पिक करेंगे, उन मुख्तलिफ वार्ड्स का एक सैम्पलिंग मैकेनिज्म बनेगा और फिर हमें किन किन गलियों में मोहल्लों में वो सैम्पलिंग कलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ ऑलरेडी लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो ये सैम्पलिंग मेथडोलॉजी का जो इनिशियल स्टेज है इसको हमने 5,000 सैम्पलिंग पे इंशाल्लाह कल या परसों स्टार्ट करेंगे, जिसका रिज़ल्ट हमें हर दिन तकरीबन 600 से 800 रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। और आज के दिन NDMA से हम एक और PCR मशीन भी ला रहे हैं क्वेटा के लिए ताकि हमारे नंबर्स को बढ़ाया जाए। इससे क्वेटा के अंदर एक हमें पल्स को मद्देनज़र देखते हुए केसेस का एक ज़्यादा बेहतर बेंचमार्क मिल सकेगा, जिसको बेस बनाते हुए फिर हमें स्पेसिफिक लॉकडाउन कहाँ करना है, कंट्रोल ज़्यादा कहाँ करना है, कहाँ ज़्यादा अटेंशन हमने डालनी है, फिर जाके हमें पता चलेगा। अब वैसे रैंडम सैम्पलिंग में हमें शायद मुमकिन तौर पे नहीं होगा, तो लिहाजा हमारी ये जो टेस्टिंग सैम्पलिंग हो रही है ये बड़ा स्पेसिफिक हो रही है, जिसमें हमारे साथ WHO भी है, हमारे साथ हमारे जो वॉलंटियर प्रोफेसर्स हैं, हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारी IT मर्क PPHI की टीम और पोलियो डेटा को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो हाउस होल्ड का हमें पूरा तरीका बताएंगे। इसके बाद यकीनी तौर पे चीज़ों को सेकेंड स्टेज पर हम बेहतर ले जाएंगे। देखिए बलूचिस्तान में साथ साथ कुछ और भी अजला हैं जहाँ पर लोकल ट्रांसमिशन में थोड़ा हमने हाइक देखा है, जिसमें नसीराबाद डिवीज़न और कुछ केसेस मैंने अभी ग्वादर में भी सुने हैं, लेकिन ग्वादर का चूँकि मकरान डिवीज़न में कराची के लोगों का आना जाना ख़ासकर ग्वादर तुरबत और पंजगूर में और लसवेला में ज़्यादा है, तो वो उस तनाजुर में हम देख रहे हैं कि हो सकता है चूँकि कराची में बहुत सीरियसली चीज़ें अफेक्ट हुई हैं तो बहुत सारे लोग शायद बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हैं और इस तरह का कोई एक लोकल ट्रांसमिशन है, जिस पे कमिश्नर्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस हमारी तरफ से बड़ी क्लियर हैं कि वो उन चीज़ों को उस तरह से फोकस करें। सो इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान हुकूमत
चाहे राशनिंग का हो। हमने एक और बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी शुरू किया है बैतुस्सलाम के साथ, क्वेटा से हमने इसका इफ्तिदा किया है। कराची में भी ये प्रोग्राम चल रहा है जो तीन सेक्टर्स में काम कर रहा है। यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया भी राशन दे रही है, यहाँ पे प्राइवेट एनजीओज भी राशन दे रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल जो एमपीएज और पार्टीज हैं वो भी राशन दे रहे हैं। हमारे पास बैतुस्सलाम का जो एक सिस्टम हमने शुरू किया, इसके तीन कॉम्पोनेंट हैं जिसमें मुतलका ज़रूरत घरानों को पकी पकाई रोटी का है, फिर राशन का इसके साथ इनका प्रोग्राम है, और एक पकी पकाए बेसिकली जो खाने का एक सिस्टम है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा तबका ऐसा है जो मजदूर है या किसी और हवाले से है, अगर आप उनको राशन देंगे भी तो वो कहीं बना नहीं सकते। तो ये प्रोग्राम ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दो दिन से इसकी शुरुआत हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सब्सिडाइज रेट पर और कम कीमत पर फ्लावर मिल से आटा ख़रीद के इस इदारे को दे रही है, जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी चीज़ों का मेकेनिज़म का जितना भी बर्डन है वो खुद उठा रही है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बलूचिस्तान के अंदर और ख़ासकर क्वेटा के अंदर, जहाँ राशन का हो, हेल्थ का हो, इमरजेंसी का हो, इन सब चीज़ों को टाइम टू टाइम देखें। एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे कारोबारी तबके का है, चूँकि रमज़ान का महीना भी आ रहा है और ट्रांसपोर्ट है। बाकायदा हमारी इनके साथ कई नशस्तें हुई हैं और मुश्तरका तौर पे हमने अपना एक प्रोग्राम बनाया है इनके साथ, और एक हम आंगी के साथ चीज़ों को कंट्रोल मेकैनिज़म में और बेहतर अंदाज में आगे स्टेप बाय स्टेप ले जाने में उनका एक बहुत अच्छा कोऑपरेशन हमारे साथ रहा। इनिशियली जब उन्होंने चाहा कि ट्रांसपोर्टेशन या दुकानें खुली, बहुत सारे ऐसे हैं, तो उन्होंने हमारे साथ बड़ी अच्छी कोऑपरेशन की, और उस जो हमने लॉकडाउन जो एक स्पेसिफिक लॉकडाउन किया हुआ है, जिसमें सेमाई लॉकडाउन मैं इसको कहूँगा, कि जहाँ जहाँ मेजर ज़रूरत है वहाँ हमने मेजर रखा है, और जहाँ एक सेमाई रिक्वायरमेंट है, जहाँ एसेंशियल कुछ बाज़ार हैं, जो चीज़ें हैं जिनको खोलने की ज़रूरत भी लोगों के लिए पड़ती है, उसको उस अंदाज़ में रखा है, तो वो हमारे साथ इस चीज़ में आगे जा रहे हैं। ताफ्तान में, चमन में, बाकी एरियाज़ में, अभी मैं एक और जगह जा रहा हूँ जहाँ आइसोलेशन फैसिलिटेशन प्री फैब या कंटेनराइज जो हम बना रहे हैं, जिसमें क्वेटा एक सेंटर है, नसीराबाद एक सेंटर है, ताफ्तान है और चमन है। एनडीए में तकरीबन कोई 900 प्री फैब कंटेनर्स इंडिविजुअल लोगों के लिए बना रही है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अपने बना रही है, जो हर दिन तकरीबन कोई 80 से 100 के लगभग बनते हैं, फिर इन डेस्टिनेशंस पे हम इनको ले जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस चैलेंज को, ये ऐसा एक है, बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हमने अपनी जितनी पूरी कोशिश करनी है इन सब सेक्टर्स में, जिसमें मेडिकेशन हो, हमारी हॉस्पिटल्स की तैयारी हो, हमारी पीपीए किट्स की बात हो, हमारी टेस्टिंग हो, राशन का सिस्टम हो, एहसास प्रोग्राम हो, कारोबारी तबका हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डेली बेसिस पे इन सबको मॉनिटर भी कर रही है, इनके एसओपीज भी बना रही है, और इन पर स्टेप बाई स्टेप हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमने बलूचिस्तान में जो हमारे एक डेवलपमेंट का एक काम है, जो मुख्तलिफ रोड्स हैं और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, हमने कोशिश की है कि वो तरक्की का जो सिस्टम है वो भी ज़्यादा मुतासर ना हो, जहाँ बहुत ज़्यादा रश लोगों का नहीं है, जो बड़े बड़े मुख्तलिफ अजला में, डिविजन्स में जो रोडों का काम है, वो जो चल रहा है, उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले एक दो महीने में बजट भी होगा, तो हमें उससे पहले अपनी तैयारी भी करनी है। सेक्रेटरीट में तकरीबन हमने जो सेक्रेटरीट के बहुत सारे ऑफिसेस को बंद किया है, लेकिन साथ साथ उनके जो सेक्रेटरीज़ है और उनका अमला है जिन्होंने स्पेसिफिक काम करना है, वो अपने दफातर में एक बड़े लिमिटेड रिसोर्स के साथ और बड़े लिमिटेड अंदाज में घरों से और ऑफिस से गवर्नमेंट फंक्शनरी को भी आगे चला रही है। मेरा अपना रबता तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारे कमिश्नरेट से, हमारे हेल्थ डिविजन्स, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स सूबाई लेवल पे सबके साथ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे पेंडेमिक में जो भी जिम्मेदारियां हैं एक हुकूमत की हवाले से जिस सेक्टर में हो, उनको हम पूरा कर सकें, और बलूचिस्तान के लोगों को मैक्सिमम रिलीफ, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हेल्थ केयर है, उसमें आगे कर सकें। मेरी आप सब से इस मीडिया के तवसल से मेरी रिक्वेस्ट होगी, और ख़ासकर क्वेटा के और बलूचिस्तान के उन अजला के लोगों के साथ जहाँ हमारी पॉपुलेशन सिंध के साथ थोड़ी करीब है या पंजाब बॉर्डर के साथ है, कि प्लीज़ हमें जो ये लोकल वायरस का जो रेशो है ये बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि इनिशियली क्वेटा के अपने केसेस बड़े कम थे,
अब क्वेटा के अपने केसेस स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तकरीबन कोई 120 लोग अभी भी सेल्फ आइसोलेशन में अपने घरों में हैं। तो मुझे और आपको बहुत एहतियात करना है हर लिहाज से कि हम इस सोशल डिस्टेंसिस को कुछ बेहतर करें ताकि ये लोकल ट्रांसमिशन है ये मज़ीद आगे की तरफ ना जाए। तो हमारी टीमें इंशाल्लाह आपके घरों की तरफ और आपके मोहल्लों में और वार्ड्स में अभी आएंगी। आपका भी तआवुन उनके साथ बड़ा ज़रूरी है और हमें राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग में हमारी मदद करें ताकि हम क्वेटा की ये तकरीबन एक हफ्ते के अंदर जो सैम्पलिंग करेंगे इसका रिज़ल्ट और इसका फ्यूचर प्लान क्वेटा शहर के हवाले से बहुत डिपेंड करेगा उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, लोकल ट्रांसमिशन के हवाले से आपने कहा कि लोकल ट्रांसमिशन बढ़ती जा रही है, क्वेटा के तकरीबन कोई 38 इलाके आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पे केसेज आए हैं। वहाँ के लोग जो है वो मीडिया से रब्ता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके इलाकों को जिस घर में केस आए हैं उनको सील किया जाए, लॉकडाउन को रोका जाए, केसेज उसके सामने आए हैं और जो शिकार हुए हैं वो लोग भी जो है वो सरेआम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि उन इलाकों को सील करने के हवाले से कोई देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना कि इस वक्त हम क्वेटा के किसी एरिया को सील नहीं कर रहे। हम जब ये चार दिनों में हमारी पूरी सैम्पलिंग और इसका रिज़ल्ट आएगा वो हमें फाइनली आइडेंटिफाई करवाएगा कि इन 64 वार्डों के अंदर जो क्वेटा के 64 वार्ड हैं इनमें कौन से एरियाज़ हैं जो बहुत सीरियस हैं, जहाँ पॉजिटिव केसेज हैं, और उस बिना पर फिर हमें स्पेसिफिक सील करना या उन छोटे एरियाज़ को लॉकडाउन करना, लेकिन तैयारी के साथ। यकीनी तौर पे अगर हम किसी एरिया को लॉकडाउन करेंगे या स्पेसिफिक लॉकडाउन करेंगे या सील करेंगे तो हुकूमत बलूचिस्तान फिर वहाँ राशनिंग का और बाकी चीज़ों का पूरा इंतज़ाम करेगी, फिर जाके आप किसी एरिया को टोटल बंद कर सकेंगे, वरना टोटली एक एरिया को बंद करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपकी बात ठीक है, अब जो जो भी आइडेंटिफाई केसेस पॉजिटिव आए हैं हमारा जो हेल्थ केयर है उनके साथ कॉन्टैक्ट में भी है और हमारी कोशिश थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन है कि हम उनको बाहर आने तक, बल्कि मैं समझूंगा कि वो अपने घर में ही महदूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस जिस तरह आपने कहा यकीनी तौर पे जो अगर पॉजिटिव हैं अगर बाहर आते हैं हमें आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर हमारा जो अमला सिक्योरिटी का है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है, हेल्थ का है, हमारे पास मर्ग की जो टीम्स हैं, जो मोबाइल टीम्स हैं वो हैं, ये सारी मोबिलाइजेशन में होती है और उनको आइडेंटिफाई करा के मजीद उसको बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रही है अपने लिहाज से। जब सब पिछले 5 दिनों में 191 केसेस सामने आए हैं, हमारा जो लॉकडाउन है 1 महीने का तकरीबन उसका अर्सा गुजर चुका है, उस लॉकडाउन में जो एसओपीस तय किए गए, जो पाबंदियां लगाई गई स्पेसिफिकली वर्ड यूज है बैन और ये ऑर्डर है, लेकिन फिर भी हुकूमत अपील कर रही है लोगों से क्यों ना इस लॉकडाउन के जो फीचर्स हैं, जो एसओपीस है, जो पाबंदियां लगाई गई हैं उस पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा, क्यों मोहल्ले और गलियों में पुलिस अहलकार खड़े नहीं किए जा रहे, एक जगह पकेट लगा के लोगों को थोड़ी देर की रोक के फिर छोड़ दिया जाता है, इस पर अमल दरामद उस तरह क्यों नहीं किया जा रहा जिस तरह ये नोटिफिकेशन हुआ? देखिए, जहाँ तक कारोबारी मराकज का ताल्लुक है, दुकानों का ताल्लुक है, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं उनका ताल्लुक है, वहाँ तो हमारा लॉकडाउन फुली इम्प्लीमेंटेड है। प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ लोग बाज़ार बंद हैं, दुकान बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन बाहर आ जाते हैं, फिर वहाँ पे हम मोबिलाइजिंग ऑफ सिक्योरिटी भी करवाते हैं। लेकिन आप इस बात को जहन में रखें कि पूरा क्वेटा एक 25 लाख 30 लाख की आबादी है और यकीनी तौर पे एट अ टाइम आपको एग्जैक्टली कहीं नहीं पता चलता कि कहाँ लोग ज़्यादा आ गए हैं, कहाँ नहीं आ गए, उसी तरह आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फिर मोबिलाइज करती है। हमने पिछले 2 दिन से जो एक नया तरीक़ेकार और भी इजाफा किया है कि अभी हमारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पे लोगों को मास्किंग के हवाले से बहुत सख्ती से हिदायत दे रही हैं कि जो गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं या रोडों पे ट्रैवल कर रहे हैं या हाईवेज़ पे आ रहे हैं कि हमें इस मास्किंग मैकेनिज्म पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देना है कि लोगों को, अच्छा ज़रूरी नहीं है, मैं आपके टीवी से कहूँगा कि देखें, ये एक सर्जिकल मास्क है, जिसके पास सर्जिकल मास्क अवेलेबल है वो सर्जिकल पहने, लेकिन हमारे सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम अपना मुंह बहुत सारे तरीक़ों से ढक भी सकते हैं। लोग यहाँ तक ज़्यादातर देखें आप चादरें पहनते हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत आम कल्चर है रूरल बेल्ट्स में, अगर हम ये चंद तदाबीर भी करें 100% इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन 30-40% यकीनी तौर पर इसका इम्पैक्ट है कि किसी ने अपना मुँह ढका हुआ है, किसी कपड़े से ढका हुआ है। अमूमन ख़वातीन इसका बलूचिस्तान और
पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इसका वैसे ही नेचुरली हम ख्याल रखते हैं जहाँ वो अपना मुंह ढकते हैं। ये उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जो ए पॉजिटिव कैरियर्स हैं, जिनको पता नहीं है लेकिन वो माशरे में फिर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एज ए कैरियर, और हमें पता भी ना हो और हम इसको फैला ना रहो। बहुत बहुत शुक्रिया जी।